समुद्र में जादुई मछली का पेड़। रामनगर में मदनलाल नाम का एक मछुआरा रहता था। मछुआरे मछली मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार की बात है, मदनलाल समुद्र में मछली पकड़ने गया हुआ था। उसने जैसे ही मछली पकड़ने के लिए जाल पानी में फेंका, वैसे ही बहुत तेज तूफान आया और वो तूफान उसके जीवन का आखिरी तूफान बन गया। उस तूफान में मदनलाल के साथ उसका नाव भी बह गया। माँ, बहुत रात हो गई और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आंधी भी आ रही है, पर पिताजी अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं बेटी, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। पूर्वी को दिलासा देकर उसकी माँ उसे तो सुला देती है, लेकिन उसका दिल बहुत घबरा रहा होता है। उसे कुछ अनहोनी होने का आभास हो रहा होता है और सुबह तक उसका शक सही निकलता है। रघु उसके घर के बाहर आवाज लगाता है। अरे ओ पूर्वी की माँ, जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया भाई साहब, आप इतनी सुबह सुबह क्यों आवाज लगा रहे हैं? गजब हो गया, मदनलाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब सुनकर दोनों माँ बेटी की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। दोनों खूब रोते हैं। अभी मदनलाल को मरे 10 ही दिन हुए थे कि दीनदयाल सेठ घर के बाहर आ धमकते हैं। देखो बहन जी, आपके पति ने तो मेरे पास ये घर गिरवी रखा था, अब तो वो रहा नहीं और घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं है जो मेरा कर्जा चुकाएगा। तो कायदे से आप अब ये घर खाली कर दे, वरना हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा। आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सेठ जी, हम खुद ही ये घर खाली करके चले जाएंगे। और वैसे भी ये घर उनके बिना खाने को दौड़ती है। आप चिंता ना करें, हम कल ही चले जाएंगे। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो, ये हमारा पुश्तैनी घर है, इस घर से हमारी इतनी सारी यादें जुड़ी हैं। तू चुप कर, इसके सिवा अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है रास्ता? सेठ जी, आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दे, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। मेरा भरोसा करिए सेठ जी, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन आपके पैसे चुका दूंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें 10 दिन का मोहलत देता हूँ। पैसे पूरे हो जाए तो जमीन की कागजात आकर ले जाना, वरना घर खाली कर देना। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। क्या जरूरत थी तुझे सेठ से और मोहलत लेने की, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ, तुम्हें याद है पिताजी जादुई मछली के पेड़ के बारे में एक बार बता रहे थे, अगर ये बात सच है तो मैं उस मछली के पेड़ से मछली तोड़कर शहर ले जाकर बेचूंगी और उससे पैसे कमाकर सेठ के पैसे भी चुका दूंगी। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। वो मछली का पेड़ आज तक बड़े बड़े मछुआरे नहीं ढूंढ पाए, वो तुम्हें इतने बड़े समुद्र में कहाँ से मिलेगा? माँ, जरूर मिलेगा, पिताजी ने कहा था कि एक बार उन्हें वो मछली का पेड़ दिखाई दिया था। अभी रुको, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। पूर्वी घर से पुराना नक्शा लेकर आती है जिसमें मछली के पेड़ तक के जाने का रास्ता बना होता है। ये देखो माँ, रास्ता मिल गया, अब बस आप रघु चाचा से कहे मुझे नाव में बिठाकर समुद्र में ले चले। भाई साहब, अब आप ही समझाए इसे कि उस मछली के पेड़ तक पहुँचना कितना कठिन है। चाचा, आपको तो पता है ना इस मछली के पेड़ के बारे में, आप समझाओ ना माँ को, मुझे यकीन है वो मुझे जरूर मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा समुद्र में और हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे उस जादुई मछली के पेड़ को। भाई साहब, आप भी इसकी बातों में आ गए। आप घबराओ नहीं पूर्वी की माँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे वह मछली का पेड़ मिले, मैं तो बस पूर्वी का दिल रखने के लिए इसे घुमाने लेकर जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। फिर अगले दिन दोनों चाचा भतीजे नाव में बैठकर उस नक्शे में दिए रास्ते के हिसाब से उस मछली के पेड़ को समुद्र में ढूंढ रहे होते हैं। काफी दूर निकलने के बाद उसे सामने एक बहुत ही खतरनाक डायन दिखाई देती है। तुम लोग किधर जा रहे हो? बहुत सही टाइम पर आए हो, मैंने कई महीनों से किसी इंसान का मांस नहीं खाया,
और देखो तुम दोनों खुद ही मेरे पास आ गए। हा 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 हा। अब बताओ मैं तुम दोनों में से पहले किसे खाऊं? हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया? देखो पूर्वी, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब तुम ही कुछ करो। डायन जी, मैं आपका भोजन तो बन जाती, पर अभी एक अड़चन है। मैं यहाँ जादुई मछली के पेड़ की तलाश में आई हूँ। जैसे ही मुझे वो मछली का पेड़ मिल जाएगा, फिर उसे मैं अपने घर वालों को सौंपकर आपके पास आ जाऊंगी। फिर आप मुझे आराम से खा लेना। और ये मेरे चाचा तो सिर्फ मेरे जिद की वजह से मेरे साथ आए हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। वैसे भी तुम इंसान बहुत ही झूठे होते हो, वो अपनी जुबान के पक्के नहीं होते हैं। फिर मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं कि जादुई मछली का पेड़ मिलते ही तुम मेरे पास आओगी? डायन जी, आप मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा चलो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो एक काम करो, आप मुझे खा लो और मुझसे वादा करो कि आप मुझे खाने के बाद उस जादुई मछली के पेड़ के साथ मेरे चाचा को घर पहुँचा दोगी। तुम्हारी बात मुझे सच लग रही है और तुम लोग मुझे ईमानदार लग रहे हो। मुझे लगता है तुम लोगों को उस जादुई मछली के पेड़ की काफी ज्यादा जरूरत है, और मैं ही उस जादुई मछली के पेड़ का पहरा देती हूँ। ये पेड़ गलत हाथों में ना लगे, इसलिए मैं यहाँ आने वाले की परीक्षा लेती हूँ। मेरी शर्त सुनते ही सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तुम लोग ऐसे पहले व्यक्ति हो जो मेरी इस परीक्षा में सफल हुए हो, तो अब से वो जादुई मछली का पेड़ तुम्हारा ही है। वो देखो वहाँ पर। पूर्वी ने आगे देखा तो उसे मछलियों से लदा एक पेड़ दिखाई दिया। चाचा वो देखो, जादुई मछली का पेड़। आप लोग मेरे बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे ना? ये देखो, सच में ये पेड़ हमें आज मिल ही गया। अब हम इससे खूब सारी मछलियाँ तोड़कर शहर ले जाकर बेचेंगे, हमें खूब पैसे मिलेंगे। हाँ, और इन मछलियों को बेचकर सिर्फ अपने लिए ही लाभ मत कमाना, बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद करना। इतना बोलकर वो डायन वहाँ से गायब हो जाती है। पूर्वी उस पेड़ से खूब सारी मछलियाँ तोड़कर उसे शहर के बड़े बड़े मत्स्य फार्म में सप्लाई करने लगती है, जिससे उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। पूर्वी उन पैसों को लेकर सेठ के पास जाती है। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे, मेरे पिताजी ने जो कर्ज आपसे लिए थे, ये सारे पैसे इसमें ब्याज समेत हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी तुमने इतने सारे पैसे का बंदोबस्त कर लिया? तुम जरूर बहुत तरक्की करोगी और बहुत आगे बढ़ोगी। ये लो, ये रहे तुम्हारे जमीन के पेपर्स। धन्यवाद सेठ जी। इतना बोलकर पूर्वी वो कागजात लाकर अपनी माँ को रखने दे देती है, और फिर दोनों चाचा भतीजी मिलकर उस जादुई मछली के पेड़ से मछलियाँ तोड़कर बाहर सप्लाई करते हैं। शहर में उनकी मछलियों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है और दोनों खूब पैसे कमाने लगते हैं, और गरीबों और बेसहारे लोगों की बहुत मदद भी करते हैं। इस तरह से फिर वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।